let's continue our concept of electrochemistry. हम electrolytic cell समझ रहे थे और electrolytic cell में हमने point out करा था कि एक तो qualitative analysis हमें समझना है और quantitative aspect उसका समझना. Qualitative analysis हमने काफी कुछ समझा भी दिया था और जो last article हम discuss कर रहे थे that was metallurgical principle of aluminium. It's a well known fact aluminium एसी भी बंद कर दो. इट्स अ वेल नोन फैक्ट एल्यूमिनियम इज अ यूजफुल एलिमेंट और एल्यूमिनियम की जो उपयोगिता है दैट इज फॉर कंडक्टिंग वायर्स. जो स्ट्रीट साइड पर आपको जो कंडक्टिंग वायर्स दिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए दोस आर एल्यूमिनियम वायर. अनदर इंपॉर्टेंट मेटल विच इज most commonly used around us is copper. Once again, household में जो electrical wires होते हैं generally they are made up of pure copper. In fact, it's 100% pure copper. Copper is a good conductor of electricity and that's why they are used for केबल पर्पस. अभी सर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कॉपर इज अ कॉस्टली मेटल. इन सेंस इट्स कॉस्टली मेटल दैट्स व्हाई इट्स नॉट यूज्ड ऑन स्ट्रीट लाइट और स्ट्रीट में जो इलेक्ट्रिकल वायर से वहां पर इस्तेमाल नहीं होता है. सड़कों पर जो इलेक्ट्रिकल वायर से वहां पर हम थोड़ा रिलेटिवली सस्ता मेटल एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं और कॉपर चूंकि महंगा है इसलिए हाउसहोल्ड में जो कनेक्टिंग वायर है वहां कॉपर का ही इस्तेमाल होता है. इधर एक और बात, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली व्हेन इफ इट इज 100% प्योर. 100% प्योर कॉपर ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. यदि कॉपर में थोड़ी सी भी इंप्योरिटी हो तो इंप्योरिटी की प्रेजेंस से कॉपर की कंडक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाने से उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है. हाउस होल्ड में यदि आप इंप्योर कॉपर के वायर्स बना दो तो इंप्योर कॉपर के वायर्स तेजी से गर्म होंगे और पूरी की पूरी वायरिंग जलने की संभावना होती है. अ गुड क्वालिटी वायर इज ऑलवेज 100%, इट्स मेड अप ऑफ 100% प्योर कॉपर. अब 100% प्योर कॉपर कैसे ऑब्टेन करा जाता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर रिलेटिवली काफी नीचे है. जिंक, हाइड्रोजन और इसके नीचे है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. जनरली कॉपर ओर में जो भी कॉपर ओर होती है इट कंटेन्स कॉपर, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड. जैसे CuFeS2 कॉपर पायराइट्स, CuFeS2 दिस इज कॉपर पायराइट्स. अब सिंस कॉपर लाए ऑन द लोअर साइड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर लोअर साइड में है, दैट्स वाई इट्स इजिली रिड्यूसिबल बाय सिंपल केमिकल मेथड्स. सिंपल केमिकल रिएक्शन के द्वारा कॉपर का रिडक्शन करा जा सकता है. हमें कॉपर
मिल तो जाता है, मगर केमिकल मेथड्स के द्वारा जो कॉपर मिलता है दैट इज नॉट अ प्योर कॉपर, इनफैक्ट इट्स इम्प्योर कॉपर, यह इम्प्योर कॉपर होता है। कॉपर के साथ में Fe भी थोड़ा रिड्यूस होकर मिल जाता है, वहां पर प्योर Fe भी होता है। और सिल्वर और गोल्ड ये तो नोबल मेटल्स है, यह भी उस कॉपर में अवेलेबल होते हैं। इस इम्प्योर कॉपर में यदि हम देखें तो 90% तो कॉपर ही होता है, लगभग 9% वहां पर Fe होता है और अप्रॉक्सीमेटली 0.9% वहां पर सिल्वर होता है और 0.1% वहां पर गोल्ड होता है। दिस इज द रफ रेशियो जनरली कॉपर ओर से जब हम केमिकल मेथड्स के द्वारा कॉपर ऑब्टेन करते हैं तो 90% उसमें कॉपर है, मगर कुछ 9% या 10% आयन है, कुछ 1% वहां पर सिल्वर भी है और कुछ 0.1% वहां पर गोल्ड भी है। इस तरह का जो इम्प्योर कॉपर है इट कांट बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इस तरह के कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कभी नहीं करा जा सकता, क्योंकि यदि इनके इलेक्ट्रिकल वायर्स हमने बना दिए तो उनकी कंडक्टिविटी पुअर होगी, उनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, उनमें हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा, ऐसी वायरिंग जल जाएगी। हमें 100% प्योर कॉपर चाहिए, यह 90% प्योर कॉपर है और 100% प्योर कॉपर ऑब्टेन करने के लिए वी आर कंपेल्ड टू अप्लाई इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा हम 100% प्योर कॉपर ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं? इधर हमारा एक और पर्पस है, हम 100% कॉपर तो ऑब्टेन करना ही चाहते हैं, साथ में इस कॉपर के साथ में कुछ प्रेशियस मेटल्स भी हैं, सिल्वर भी है और गोल्ड भी है। डेफिनेटली कॉपर की कीमत के बराबर वहां पर सिल्वर और गोल्ड भी है। वी विश टू सेपरेट दिस सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर नोबल मेटल्स, ये वहां पर प्योर स्टेट में ही है, मगर इनको सेपरेट करना जरूरी। अब इलेक्ट्रोलिसिस कैसे की जाती है, किस तरह से की जाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इट्स फिल्ड विथ एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है और इस जगह पर इम्प्योर कॉपर रॉड, दिस इज इम्प्योर कॉपर रॉड। इसे हम कैथोड बनाते हैं और इस जगह पर भी वी यूज टू प्लेस प्योर कॉपर रॉड, दिस इज अ प्योर कॉपर रॉड। इसे हम इम्प्योर कॉपर रॉड को एनोड बनाएंगे, दिस इज एनोड, और प्योर कॉपर रॉड को हम कैथोड बनाते हैं। कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल बैटरी लाइक दिस। द कंडीशन मेंटेन्ड इज, जो कंडीशन रखी जाती है, एक्वस कॉपर सल्फेट मस्ट बी
surplus. It must be more than Fe available on this impure copper rod. इस impure copper rod पे जितना भी Fe है, उससे ज्यादा aqueous copper sulfate इस solution के अंदर होना चाहिए. हम electrochemical series में इसी स्टेज पर Fe की position भी बता देते हैं. Fe हाइड्रोजन और जिंक के बीच में होता है. The condition is the aqueous copper sulfate solution, इसमें कॉपर सल्फेट का अमाउंट इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट मस्ट बी ग्रेटर देन Fe ऑन द इम्प्योर कॉपर रॉड, और यू कैन से मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मस्ट बी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ Fe ऑन इम्प्योर कॉपर रॉड. इक्विवेलेंट टर्म अभी मैंने बताया नहीं है, मैं समझाऊंगा. मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मस्ट बी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ Fe ऑन इम्प्योर कॉपर रॉड. यह कंडीशन वहां पर मेंटेन करी जाएगी. अब देखिए इसमें क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है. हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गोल्ड सबसे नीचे है, इनमें यदि कंपेयर करें, उसके ऊपर सिल्वर, उसके ऊपर कॉपर और उससे भी ऊपर Fe. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Fe सबसे ऊपर है, इसलिए डेफिनेटली Fe का ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा एट एनोड Fe would get oxidized to give you Fe2 positive and 2 electron. सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन होगा जब जब Fe सरफेस पर आएगा, मगर वहां Fe कोई बहुत ज्यादा नहीं है. Fe is 9 to 10% सरफेस पर. Fe के एटम 9 से 10% के रेंज में होंगे. तो जब जब सरफेस पर Fe का एटम आ रहा है तब तक तो वही ऑक्सीडाइज होगा, मगर यदि सरफेस पर कोई Fe का एटम नहीं हुआ तब क्या होएगा? क्योंकि Fe बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सरफेस पर कोई Fe का एटम नहीं है तब बारी फिर अगले एलिमेंट की आएगी. अगला एलिमेंट वहां पर है कॉपर. यदि कोई सरफेस पर Fe का एटम नहीं हुआ तो वहां पर एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा. हम कहेंगे एनोड पर यह दोनों रिएक्शन चलेगी. पहले तो Fe ही ऑक्सीडाइज होएगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मगर Fe बहुत ज्यादा नहीं है, 9 से 10% ही है, इसलिए कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सरफेस पर कोई Fe का एटम नहीं दिखा है तो वहां पर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता रह जाएगा. मगर सिल्वर और गोल्ड के ऑक्सीडाइज होने की बारी कभी नहीं आएगी, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड कॉपर से नीचे है और वहां पर कॉपर इतना अधिक अमाउंट में है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सरफेस पर कोई कॉपर नहीं. कॉपर तो सरफेस पर हमेशा होगा. सिल्वर और गोल्ड जो कि कॉपर से नीचे है वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे. जब भी सिल्वर पर कोई सरफेस पर कोई सिल्वर का एटम आया तो उसके चारों तरफ के कॉपर के एटम ऑक्सीडाइज होंगे और वह सिल्वर का एटम जो अनऑक्सीडाइज्ड है, जो नोबल है, या वह गोल्ड का एटम उसके चारों तरफ कॉपर के एटम है, चारों तरफ के कॉपर के एटम ऑक्सीडाइज होकर चलेगा. इधर से Fe भी ऑक्सीडाइज होकर फेरस आयन बनकर चला गया और इधर से कॉपर भी ऑक्सीडाइज होके
कॉपर आयरन उनके चला गया, सिल्वर और गोल्ड जो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहे हैं वह मेटालिक स्टेट में इस कॉपर रॉड से फ्री होकर इसके नीचे गिरेंगे और गिर के वह इस तरह का एक हीप बना लेंगे। ठीक एनोड के नीचे इस तरह का एक हीप बन जाएगा। इस हीप में वह सारे सिल्वर और गोल्ड के एटम आ जाएंगे। एनोड के नीचे बना हुआ या जो हीप है वी कॉल इट एनोड मड। दिस इज एनोड मड। इस एनोड मड में सारा सारा सिल्वर और गोल्ड कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो प्रेशियस मेटल है सिल्वर और गोल्ड वह भी अलग हो गए। Fe और कॉपर ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन के अंदर चले गए। एनोड पर Fe और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम जरा सोचें कि कैथोड पर कौन रिड्यूस होएगा। वहां पर सिर्फ दो ही कैटायन हैं जो कैथोड पर जा रहे हैं। एक तो ऑक्सीडाइज होकर फेरस आयन जो आए हैं वह कैथोड पर जा रहे हैं। इसके अलावा कॉपर आयन पहले से भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद थे और कुछ ऑक्सीडाइज होकर भी आए। दोनों के आयन कैथोड पर जाएंगे। फेरस आयन भी कैथोड पर जा रहा है, कॉपर आयन भी कैथोड पर जा रहा है, मगर रिड्यूस कौन होएगा? रिड्यूस हमेशा वह होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए नीचे कौन है, एफई है या कॉपर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कॉपर है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कैथोड पर जब रिडक्शन की बारी आएगी तो Fe कभी रिड्यूस नहीं हो पाएगा। कैथोड पर हमेशा कॉपर ही रिड्यूस होएगा। एट कैथोड कॉपर आयन वुड एब्जॉर्ब टू इलेक्ट्रॉन एंड दिस वुड गिव यू प्योर कॉपर मेटल। कैथोड आपने प्योर कॉपर का ही बना रखा है और इस पर प्योर कॉपर हमेशा डिपॉजिट होती जाएगी। जो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर आया वह तो रिड्यूस हो ही रहा है, और जो Fe ऑक्सीडाइज होकर आया वह Fe रिड्यूस ना होकर सॉल्यूशन के अंदर जो पड़ा हुआ कॉपर सल्फेट है उसका जो कॉपर आयन है वह रिड्यूस हो जाएगा। और इसीलिए आपने क्या कंडीशन रखी है कि वहां पर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट हमेशा मोल्स ऑफ Fe से अधिक हो। आप हमेशा इसमें ढेर सारा ब्लू कलर, ब्लू वाइट्रॉल, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट इसके अंदर डालते रहो। कॉपर सल्फेट कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। जब तक वहां पर मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट है वो कभी भी Fe को रिड्यूस होने नहीं देंगे। सॉल्यूशन के अंदर आप ढेर सारा कॉपर सल्फेट डालकर रखो। इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इक्विवेलेंट ऑफ Fe से ज्यादा होने चाहिए और इस तरह से आपको कैथोड पर प्योर कॉपर मिलता जाएगा। इसी प्योर कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए, इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए विच इज बीइंग यूज्ड इन हाउस होल्ड, इसी कॉपर का इस्तेमाल होता है जिसको हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से इस तरह से ऑब्टेन करा जाता है। और कॉपर ओर में मिलने वाला सिल्वर और गोल्ड भी इस तरह से सेपरेट कर लिया जाता है। दे आर प्रेशियस मेटल, इनकी भी काफी कीमत है, इनकी कीमत इनफैक्ट इस कॉपर से कहीं ज्यादा। दिस इज मेटलर्जिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉपर। इस पूरे को नोट डाउन कीजिए। दैट्स ऑल रिगार्डिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मैं आपको समझाऊंगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।